5 लाख शिव का जाप करते हैं, 5 लाख मंत्र से शिव का जाप करते हैं, उन्हें शिव आएगा, उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, भगवान शिव दर्शन देते हैं, ये कथा में लिखा। जो 1 लाख जाप करते हैं उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्धि हो जाती है शरीर की 1 लाख जाप करने से, महामृत्युंजय का। इसलिए कहते हैं बीमार आदमी होता है उसके लिए महामृत्युंजय का जाप कराओ, उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर की शुद्धि मतलब बीमारी निकल जाती है, इसी महापुराण की बात बता रहा हूं। और 2 लाख शिव के जाप करने से पूर्व स्मरण आ जाता है, पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाती है। लेकिन ईमानदारी से करना जाप, भजन करो तो ईमानदारी से करो। और 3 लाख जाप होने पर काम्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, और 4 लाख जाप होने पर भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। और 5 लाख जाप होने से जीवात्मा संसार छोड़ के जाती है, तो सीधे शिव के चरणों में चली जाती है, सिद्ध शिव के चरणों में चली जाती है। अब यहां लिखा गया है, जो लोग कोई कहते ना कि भाई मेरी तेरी आयु कम है, जिसकी आयु कम होती हो उसको 1 लाख ही दुर्बाओं से शिव की पूजन करना चाहिए। ये दूब है ना, 1 लाख दूब भगवान शिव को चढ़ाओ आप, अलग अलग निकाल के। तो जिस आदमी की अकाल मृत्यु होने वाली हो, जिस आदमी की उम्र कम हो, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो वो आदमी कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। अगर कोई ज्योतिष कुंडली कह दे कि भाई तेरी उम्र कम है कुंडली में, तू जल्दी चला जाएगा, तो उसको 1 लाख दुर्वा चढ़ा दो शिव को। मंत्र ओम नमः शिवाय बोलिए, या ओम जो आप महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे बोलकर भी आप चढ़ा सकते। दूसरी बताई गई यह है कि भाई जो व्यक्ति जिसके पुत्र की कामना हो, कि महाराज जी बहुत साल हो गए घर में वंश वृद्धि नहीं हुई है, जिनके पुत्र की कामना हो, वो 1 लाख धतूरे से, 1 लाख धतूरे से शिव का पूजन करें, 1 लाख धतूरा शिव पर चढ़ाएं, शिव का पूजन करें। और शिव महापुराण कहती है लाल डंखल वाला अगर धतूरा मिल जाए तो और ही अति उत्तम माना गया, लाल डंखल वाला धतूरा मिल जाए तो और अति उत्तम माना गया है, धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही हो तो महाराज जी अब लाल धतूरे से शिव का पूजन करें। और कोई व्यक्ति चाहता महाराज जी माना जस को नहीं मिल रहा, कई लोग का महाराज जी माना जस को नहीं मिल रहा, घणो ही करा मैं मारवाड़ी में कहवा महाराज जी घणो ही करा मैं तो सबको करा, मारो कोई जस को नहीं मिल रहा, मैं तो सबको परिवार में काम करा और करा। जस अब जस लाभ हानि जन्म मृत्यु सब विधि आदि, 6 चीज भगवान के आदमी, लाभ हानि जन्म मृत्यु और जस और अपजस। अगर यश चाहिए तो शिव महापुराण कहती है अगस्त्य के 1 लाख पुष्प भगवान शिव के पर चढ़ाओ, पूजन करो, आपके हर ओर यश यश, आपकी कीर्ति फैल जाएगी, यश मिलेगा आपको। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।